तो भाई दोस्तों, नज़ारा अभी कुछ ऐसा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और अभी 4:30 बजे का टाइम हो रहा, कोहरा देखे पूरी जगह कोहरा, बारिश भी नहीं लग रही, कोहरा है। वाह, अच्छा ठीक है भाई, जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, जितने नंबर दिए जितने भी नंबर दिए सब बन दिए। तो भाई खाना बहुत टेस्टी हो रहा है। अभी कुछ देर पहले हल्की सी बूंदा बांदी हुई थी और उससे ना सरोवर काफ़ी खुल चुका है। देखिए मतलब पतली लेयर बची है बर्फ़ की, जो कि वो भी हट जाएगी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आपका स्वागत प्रणाम है दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा साहब। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा है। और अभी चल रही है अरदास। अब वहाँ पे फिर से जो चिड़िया है ना, कल भी आई थी और आज भी आई है स्नान लेने के लिए। तो सरोवर थोड़ा थोड़ा खुलना भी, हर दिन हमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखता है कि सरोवर खुलता है। वहाँ पे देखिए चिड़िया भी है और गुरुद्वारा साहब का नज़ारा कुछ ऐसा ही थी। और ये अपनी दोस्त तो कल इधर ही थी भाई, रात भर है पीछे पीछे आ रही, काम नहीं करने देगे, काम करने दे, ठीक है, एक जगह पे बैठ। और इधर लोकपाल श्री लक्ष्मण मंदिर, और आप देख सकते हैं आज ना बादलों का कितना प्यारा सा बादल लगे हुए उधर, देखिए क्या ही प्यारे बादल ऐसे लगे हुए, ऐसे लगा रखा किसने हाथ से लगा रखा होगा। और ऊपर चोटियों में देखिए भाई बादल किस तरीके से, जो कोहरा लगा हुआ है सातों चोटियों पे, उसका तो अलग ही व्यू है भाई, अलग ही मनमोहक दृश्य है। तो कुछ ऐसा है, तो संगतें तो आ ही चुकी है लगभग। तो भाई संगतें भी आना स्टार्ट हो चुकी है काफ़ी मात्रा में। अब जाके आज थोड़ी लेट उठे क्योंकि कल थक बहुत गए थे। और अभी चल रही है अंदर अरदास। तो दोस्तों अभी ना मैंने आज से रूटीन चेंज कर दिया, सुबह भी खाना ज़रूरी है, वीकनेस आ रही है। तो अभी मैंने खाने में तो खाने का मन नहीं होता, तब भी मैंने सेवैया खाई है, खीर जो होती है उससे थोड़ा एनर्जी रहेगी। फिर बाकी काम निपटाने के बाद 2:30-3 बजे जो है मैं खाना वगैरह खा लूँगा, फिर रात में भी खा लूँगा, तो वो ज़रूरी है, ठंड में पच भी जाता है और एनर्जी ज़्यादा लॉस होती है। हम कुछ आज ऐसा है और ऐसा ही रहना चाहिए जून में, अच्छा मौसम, होप सो जब तक रहेगा तब तक रहेगा। तो भाई फर्स्ट अरदास भी फिनिश हो चुकी है और यहाँ पे हमारे स्पेशल मेहमान है जो लुधियाना से आए हुए हैं, अंबाला से सॉरी, सुनील दीवान जी हैं। तो इनके भी कमेंट बहुत मतलब टाइम से देख रहे हैं, जब से मैं स्टार्ट ही किया उसके 2-4 महीने बाद से देख रहे हैं। पूरी फैमिली आई हुई यहाँ पे देख के, मैम लोग, बेटी, भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, घर बैठे हमें घर बैठे पूरे दर्शन करा रहे हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू। और मैं तो बस एक बात कहूंगा, 2007 के बाद ना अब मैं आया हूँ तकरीबन 14-15 सालों बाद, वो भी ब्लॉग देख के आया हूँ आपके, हिम्मत नहीं पड़ती थी। हाँ। पर चलो परमात्मा आपको लंबी उम्र दे और वाहेगुरु जी आप पे कृपा बनाए रखे ऐसी। थैंक यू सर। और बाकी बच्चे भी आए, पैदल आए हैं बच्चे? पैदल आए सर। अच्छा, देखो चमक है चेहरे पे की भाई कोई बात नहीं, बाबा के आशीर्वाद की लिया है और दर्शन भी किया है सभी के, मतलब बहुत अच्छा लगा, पूरी फैमिली आई हुई है, ऐसे आप लोग भी आए, होप्स आपके अच्छे दर्शन रहे होंगे और यात्रा सफल रहे। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट, बाय सर। भाई लगातार संगतें मिल रही है, सुबह 6 बजे से मिल रहे हैं। अब ऐसे यहाँ पे हमारे प्यारे जो सब्सक्राइबर भी हैं और इनका भी यूट्यूब चैनल है, बड़े प्यार से जो है आए मिले, फोटो भी खिंचवाए। सर आपका चैनल का नाम बता दो। मेरा नाम सर सोनू है, सोनू 22JI। हाँ, जी अच्छा अच्छा जी, बहुत बढ़िया लग गया था ना मिलके। हाँ, थैंक यू, मिलते रहो, बहुत बढ़िया लगा सर। बाबा जी के दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए, इससे बढ़िया मुझे कुछ नहीं लगता सेवा करना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो भाई सुबह सुबह 6 बजे तो भाई ने परेशान कर दिया है ना कॉल करके काम। जो आपके दादाजी के जो बात है ना वो अलग ही बात है। हाँ, जो दादाजी ने सेवा संभाली है ना वो किसी किसी को पता है, किसी को कम पता है। हाँ, जो तो नंदा सिंह जी थे ना। हाँ, जी नंदा सिंह। हाँ, वो जो उनकी कमाई बहुत बड़ी थी, जो जिन्होंने कम से कम 15-19 साल संभाली है। हाँ जी, हाँ जी। अरदास करवाते थे, संगत आती थी उनके से, उनसे अरदास भी करवाती थी। हाँ जी, हाँ जी। अब गुरबानी का ध्यान भी किया था उन्होंने। हाँ जी, बहुत बहुत उनसे बहुत अप्रिशिएट है, बहुत बहुत थैंक यू सर। बाकी यार भाई से सुबह सुबह
फोन किया, अभी मिल के बहुत अच्छा लगा। सुबह 7 बजे आया गया था मैं। वाहेगुरु जी की फतेह। तो भाई सभी लोग मिल के यहाँ पे सब भी आए हुए हैं। ये दरबे से है हमारा बेटा है ना। हाँ जी, आपके ब्लॉग दे इसके लिए आप आए हैं, इसके साथ ही हम आए, इसलिए जित बड़ी जरूर जाना है। नहीं जो कुछ भी नहीं है कि ब्लॉग एक बहाना है, जो बाबा जी बुलाते हैं। देखो जी माता जी प्रणाम। माता जी को भी वीडियो कॉल पे अभी लाए हुए हैं, थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन टूट रहा है। बाकी सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सर के बच्चे हैं, सर जी हैं, बहुत अच्छा लगा सर, है ना। दो हमारे बेटे हैं ना। अच्छा 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 सर, एक बार थोड़ा वाहेगुरु जी का जी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, ऐसी सपोर्ट। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू जी। राम राम छत्तीस राम राम तैतालीस राम राम अड़तालीस। तो माता जी राम भगवान जी का नाम ले रही है यहाँ पे और काउंट भी कर रही है, शायद 1008 हो या 108 बार। तो भक्ति है भाई दुनिया के हर कोने में। तो यहाँ पे वीर जी लोग भी मिल गए भाई, जिनसे टिप्स भी लेता हूँ कि कैसे वीडियो बनानी है और कैसे नहीं बनानी है। मैम भी आई हुई है, सर लोग सभी आए। आप चार आए हो ना टोटल, तो कैसी रही यात्रा? बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा हमारा, बहुत बढ़िया। मेन बात तो यही है कि आपका ब्लॉग देख देख के यहाँ पर पहुँचे। हम डेली आपका ब्लॉग देखते थे। अच्छा, जब मतलब हमारा प्लान बना था ना, तभी हमने आपका ब्लॉग देखना शुरू कर दिया था। हाँ जी, मैसेज भी किया था, मैसेज भी किया था। पहले तो आना था यार, अफवाहें उड़ रही है ना कि ऐसे पहाड़। मेरी वीडियो से तो नहीं आ रही अफवाहें? नहीं 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 नहीं, आपकी वीडियो देख के तो आए हैं भी, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी सेफ है। ऊपर वाले पे विश्वास रखना। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, होप्स आपकी यात्रा अच्छी रहेगी, बाबा जी ऐसे आशीर्वाद रखे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। वह यहाँ देखे संगतों की भीड़। तो भाई दूर दूर से संगरूर से भी आए हुए हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट रह चुके हैं, एक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक्स चेयरमैन रह चुके हैं सीए ब्रांच संगरूर। हाँ जी, तो बहुत अच्छा लगा सर से, और फोटो भी क्लिक करवाई। तो वीडियो देखते हैं सर आप? यस, देखता हूँ। आपके बारे में मैंने सुना काफी था, लेकिन लाइव मैंने आपको पहली बार देखा है। हाँ जी, बच्चे बोलते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो टेस्ट तो कम ही था, लेकिन बोलते रहते हैं। आपके बच्चे नहीं आए साथ में? नहीं, मैं अकेला ही आया। तो कोई बात नहीं, आपके बच्चे आपकी वीडियो देख के यहाँ पहुँच चुके हैं, कल सुबह देखेंगे तो जरूर आएंगे। बाकी सर से बहुत अच्छा लगा मिल करके। अभी जाएंगे अरदास में बैठेंगे, मत्था टेकेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू बाबा जी। और तो भाई यहाँ पे ना वीर जी मिले हैं भाई, बहुत अच्छा लगा। मेरे बड़ा प्रेमी भाई है मेरा। हाँ। बहुत गुरु जी हमारे गुरु गोविंद सिंह की शोभा करते हैं, तो हमारी भी शोभा होती है। भाई को बहुत बहुत तरक्की दे मालिक, गुरु साहब इनको बहुत आगे बढ़ाए। मैं भाई को बड़ा खुश हुआ, बहुत मिलके बड़ा खुश हुआ मेरा भाई। हाँ। बहुत बहुत तरक्कियों में जाए आगे भूपिंदर सिंह जी। थैंक यू, थैंक यू। जो बोले सोने हाल सात श्री अकाल गौरव चौहान जी, बहुत धन्यवाद। अभी आएगा बेटा मिलने के लिए। दुख पाए ते दुख ही सुख पाए सब, एक एक की पीर पहचाने। तो भाई अरदास भी फिनिश हो चुकी है और संगतें लगातार सुबह से मिल रही है, मिलते रह रही है, थोड़ा दौड़ भाग भी हो रही है। बाकी यहाँ पे देखो पूरी फैमिली आई हुई है, पूरी फैमिली हो ना आप लोग? हाँ जी। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, फोटो भी क्लिक करवाई। होप सो आपकी यात्रा भी अच्छी रही होगी, दिक्कत तो नहीं आएगी? आप लोग देखते कि नहीं देखते हो? टीवी वाला देख, इसी भी देखता है। हाँ जी, तो बहुत अच्छा लगा कि ऐसा प्यार सपोर्ट मिलता है। आज के बाद हम भी रेगुलर देखेंगे आप ऐसे ही रोज डालते रहना, हम देखते रहे हो। थैंक यू सो मच सर आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा सभी से। उम्मीद करता हूँ आगे भी आप यात्रा पे आएंगे और मिलेंगे, बहुत अच्छा लगा। एक बार बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वही संगतें लगभग कंप्लीट हो चुकी है, जाने वाली है, 60% तो चली गई है, बाकी जाएंगी। वैसे वीर जी भी है जो कि अभी अकेले आए थे ना। हाँ जी, अकेले आए थे और ये भी जाएंगे।
तो भाई मौसम खराब हो रहा है वीर जी, जल्दी जाइए जूते पहने, बर्फ में कहाँ पे ठंडे हो रहे हैं पैर। बाकी भाई से अरे बहुत अच्छा लगा आपको मिलके, आपके व्लॉग देखते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है आप बुलाते हो। इनसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे हमको मिलती रहती है, कब क्या हुआ, कब बारिश हुई, कब बारिश हो, आगे क्या होगा, सब मुझे आपसे पता चलता है। बाकी मैं इन्फॉर्मेशन देते रहूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा करते हो, भगवान आपको लंबी उम्र दे। बहुत बढ़िया, पंजाब आओ तो मिलना जरूर सर। थैंक यू सो मच सर। तो भाई यहाँ पे ना संगतें जा रही है, साथ साथ वीर जी लोग भी मिले हैं लास्ट में। आज तो मतलब सुबह से लाइन लगी हुई है ना, बहुत प्यार मिलता है पंजाब से, तो स्पेशली भाई लोग आते हैं, प्यार देते हैं और बातें भी करते हैं, कुछ चीज़ें शेयर भी करते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है। चलो वीर जी मिलते हैं, बाय। वही चले जा चुके हैं सभी संगतें, बहुत अच्छा लगा। और सामने एक चीज़ और देखिए, हल्की सी जो बर्फ़ आ रही है यहाँ पे, अब देखिए बर्फ़ पिघल के ये नीचे आ रही है, क्योंकि अब धूप इतनी गाढ़ी हो गई कि क्या करें। और जो चिड़िया मैं आपको सुबह दिखा रहा था यहाँ पे, ये देखिए, होप सो आपको दिख पा रही होगी यहाँ पे चिड़िया, ये अभी भी है। तो भाई पता नहीं क्या दर्शन देते रहते हैं, बाकी कुछ नज़ारा दृश्य अभी ऐसा है चारों तरफ का, ये देखिए। और यहाँ पे दो बंदर भी आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। तो भाई एक दिन ही कह रहे कि मैं रात को 12 बजे डुबकी मारूंगा सरोवर में, उस दिन वीडियो बनाना है, ठीक है, टॉर्च लगा के बना, बिल्कुल आपको बता दूंगा, जमना मत है लेकिन। जी जी बिल्कुल। हाँ तो कुछ ऐसा है भाई, और उधर ना अभी तक बर्फ आ ही रही है, ऐसे लग रहा है कि पूरा झरना बह रहा होगा। तो भाई बहुत लोग पूछते हैं ना कमेंट में, बहुत हंसी भी आती कि भाई कहाँ पे रुकते हो, क्या रुकते हो। तो जो मंदिर है लोकपाल लक्ष्मण भगवान जी का, तो वहाँ पे क्या है कि ये धर्मशाला है, तीन कमरे यहाँ पे जो ख़राब है, दो कमरे वहाँ पे, तो उन वाले में से मैं एक कमरे में रहता हूँ, तो वहाँ मेरा रहने का आप समझ सकते हैं। और बहुत लोग बोलते हैं कि भाई तुम रात में कैसे रहते हो, कमरे के अंदर का भी दिखाओ, कुछ भी नहीं दिखेगा, बहुत ही अफरा तफरा, मतलब ऐसे रहते हैं ना, तो मतलब बहुत ही उस लेवल पे रहता है कि मज़ा नहीं आता है। लेकिन भगवान के पास रहने में जो सुकून है ना, चाहे मिट्टी में भी हम सोएं, बर्फ़ में भी सोएं, पत्थर में भी सोएं, लकड़ी में भी सोएं, बट वो सुकून अलग ही है। उसके लिए कोई मतलब कोई शब्द नहीं हो सकते यार, जो दिल से फील कर सकता है उसके लिए कोई शब्द नहीं हो सकते। बाकी कुछ नज़ारा ऐसा है, धूप वगैरह आप देख सकते हैं उधर उधर पड़ रखी है इधर, और अभी तक संगतें ना पहुँचती है, कई लेट में कुछ चीज़ें हो जाती है ना, तो आती है। बाकी मौसम देखिए ऊपर भी कुछ ऐसा है। और भाई सच बताऊं, आज तो बहुत संगतें मिली, बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आज के दिन। और सॉरी यार दोस्तों, मैं एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बहुत संगतें आती है, सबको ना वीडियो में निकाल पाना इम्पॉसिबल होता है ना, मतलब जो रिक्वेस्ट करते हैं यार उनका भी निकालना पड़ता है। ऐसे में क्या होता है ना कि जो देखने वाली संगतें हैं, है ना, अगर मैं सभी को निकालने लग जाऊँ, सभी की बातें सुनाने लग जाऊँ, तो संगतें वीडियो नहीं देखेगी पूरा, ये चीज़ आप समझिए। मुझे मालूम है आप वीडियो में आना चाहते हो, आपको अच्छा लगता है थोड़ा, मतलब अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है ना, पर ऐसा नहीं हो सकता कि यार हर किसी को निकाल पाऊँ, उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। बस यही है, फ़ोटो वगैरह खींच लो, वो कर लो, तो कोई आपत्ति नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोटो वगैरह जितनी खिंचाओ मर्जी है, बट ब्लॉग में सब नहीं आ सके, बहुत लंबी वीडियो होती है। और दूसरी परेशानी ये है कि यहाँ पे ना वीडियो अपलोड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वीडियो अपलोड, क्योंकि नेटवर्क इतना खास है नहीं यहाँ पे कि भाई मैं अगर 30 मिनट की वीडियो बनाऊँ, 40 मिनट की वीडियो बनाऊँ तो वो अपलोड हो सके, तो ये चीज़ प्रॉब्लम रहती है। इसलिए मैं सभी को कवर नहीं कर पाता हूँ, मतलब जितने मुझे वीडियो में आते होंगे ना, उनसे मतलब 30-40 गुना जो है सब्सक्राइबर यूट्यूब फैमिली मेरे से मिलती है, तो ये चीज़ें ध्यान रखें यार ना, कुछ ऐसा सिस्टम भी है। बाकी मैं नहीं निकाल पाता वो ज़रूर जानिएगा, थोड़ा फोर्सफुली ज़बरदस्ती नहीं, फ़ोटो खिंचाइए जाइए, कोई आपत्ति नहीं है। बाकी कुछ नज़ारा ऐसा है अभी का। तो भाई अब जो है ना खाने का टाइम हो गया, और आज अच्छी बात ये रही कि हमें फ़्रेश खाना मिला, अभी ताज़ा ताज़ा बन रखा था, भाई ने अच्छी हेल्प कर दी आज। क्यों तू नहीं खा रहा? मैंने खा दिया। खाओ बे। तो भाई खाना बहुत टेस्टी हो रहा है, राजमा चावल मिल रहा है आजकल, बहुत मज़ा आ रहा है। तो भाई खाना पीना हो गया, और आज ना थोड़ा सा कोहरा लग गया यहाँ पे, आप देख सकते हैं चारों तरफ कोहरा वगैरह, कुछ नहीं दिखेगा आपको। देखिए पूरा सरोवर भी ढक गया है, गुरुद्वारा साहब भी, हर चीज़, और ठंडा भी हो गया भाई, ठंडा हो जाता कोहरे में ना, पूरा पानी पानी जैसा आता वो भाप, ठंडा सा। तो अभी क्या करना है, बिस्तर में जाएंगे, थोड़ा आराम से बैठ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे,
फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, शाम को खाना खाना आना है। तो ऐसा कुछ है, देखिए कोहरा, देखिए भाई कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। ये देखिए सरोवर का पानी ना, जो मंदिर का आप गेट देखेंगे यहाँ पे, मंदिर यहाँ पे, तो वहाँ से डिस्चार्ज होता है नीचे, लक्ष्मण गंगा बनती है। तो साफ़ है, साफ सुथरी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो भाई देखे कोहरे से ना पूरे पहाड़ियाँ, सब तो सिंह तो दिखेंगे नहीं, बट देखे पहाड़ भी नहीं दिख रहे हैं। देखे कुछ अलग ही नज़ारा यहाँ पे ना हर दिन देखने को मिलता है, कभी धूप में अलग और कोहरे में अलग, बरसात में अलग, बर्फ़ में अलग। तो बहुत रंग है अपने तपोस्थली जो श्री हेमकुंड साहिब है, श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर, अलग ही व्यू है भाई, मतलब जो इतना मनमोहक होता है ना, बहुत ही प्यारा ये देखिए। तो भाई दोस्तों नज़ारा अभी कुछ ऐसा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, और अभी 4:30 बजे का टाइम हो रहा, कोहरा देखिए पूरी जगह कोहरा, बारिश भी नहीं लग रही, कोहरा है। वाह वाह वाह, हम तो चाहते थोड़ा बहुत बारिश हो, ये भी बर्फ़ पिघल जाए तो सही रहेगा, रास्ता खुल जाएगा। तो भाई लोग आ रखे थे भाई स्पीकर लेने, गाना चलाना है बोल के। मंदिर भी नज़र नहीं आ रहा, गुरुद्वारा साहब तो पूछे ही मत, थोड़ा सा आ रहा है, पता लग रहा है कि यहाँ पे मंदिर थोड़ा सा दिख रहा है, कुछ ऐसा भाई। और ठंडा इतना हो रहा है कि भाई ऐसे लग रहा है अंदर ही बैठ जाओ। तो भाई अभी अंदर पे हैं और ऐसे स्लीपिंग बैग के अंदर सो रखा है, देवेश भी सो रखा है, मैं इनको भी सो रखा है। तो कुछ ऐसा है अंदर का नज़ारा, कोई पूछ रहा था ना कि भाई अंदर अपना रूम दिखाइए, रूम कुछ नहीं है, देखो बैग ऐसे टांग रखे हमने ऊपर और इधर ऐसे टांग रखे, कुछ सामान हमने उधर रखा हुआ है, और लाइट बस एक बल्ब लगा रखा है, जॉइंट कर रखा है, तो ऐसे कुछ रहना पड़ता है, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, बट कोई बात नहीं, भगवान के पास रह रहे हैं तो कंफर्टेबल को भूलना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे भाई रुकना, चलो बढ़िया लगता है। अभी फ़िलहाल सो जाते कुछ देर, एक घंटे तो सोना क्या, मतलब लेट जाते हैं, आराम करते हैं, तो उसके बाद खाना खाने जाएंगे 7:30 बजे, फिर आ करके वीडियो एडिट करना, बहुत सारा काम होता है। तो भाई कुछ देर ना कोहरा इतना ख़तरनाक लगा था यहाँ पे श्री हेमकुंड साहिब लोकपाल लक्ष्मण मंदिर में, मतलब देखते ही नज़ारा था उस टाइम, तो ऐसा लगा सो जाओ भाई बिस्तर में सोए, बिल्कुल आधे एक घंटे डेढ़ घंटे की नींद लेकर के बाहर निकले। तो भाई देखे यहाँ का मौसम का कुछ भरोसा, देखे धूप लगना स्टार्ट हो चुकी है, हर इधर भी धूप। बाकी जो धाराएं हैं ना जो सातों चोटियों से बहती है, इधर से भी आएगी, उधर से भी आएगी, इधर 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 और उधर से, सब जगह से मतलब आपको दिखेंगी कि जो झरना है वो बहना स्टार्ट हो चुका है। अब हमारी फिर से शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि थकान बहुत हो जाती है दौड़ भाग में ना, मतलब इधर उधर इधर उधर उधर दौड़ना पड़ता है, तो काफ़ी एनर्जी लो होती है। अभी चाय वगैरह पियेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। बाकी यार आजकल तो दर्शन दे नहीं रहे अपने नीलकंठ पर्वत जी, खफा हैं शायद हमसे, मनाना पड़ेगा, हे प्रभु कल दिखा देना हमको नीलकंठ पर्वत। तो भाई कुछ ऐसा मौसम है अभी बढ़िया सा, जाते हैं थोड़ा चाय वगैरह पी लेते हैं, क्यों मैं इनको यस भाई तो चाय भी यहाँ कम पीना पड़ रहा है और चेहरा ना फट रहा है, और आजकल सब बोल रहे काला हो गया बल में, यहाँ हर कोई काला हो जाता है, बुरा हाल हो जाता है ठंडे में, क्योंकि डायरेक्ट किरण पड़ती है और बर्फ़ से तो जल ही जाता है इंसान। तो कुछ ऐसा है, पर बर्फ़ पिघल गई और इधर से भी रास्ता पूरा साफ कर दिया। भाई थोड़ा सा बैल बजा देते हैं, अभी कुछ देर पहले हल्की सी बूंदा बांदी हुई थी और उससे ना सरोवर काफ़ी खुल चुका है, देखिए मतलब पतली लेयर बची है बर्फ़ की, जो कि वो भी हट जाएगी, हर दिन आपको सरोवर थोड़ा 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 खुलता हुआ नज़र आएगा, और कुछ दिनों की बात है 10-12 दिनों की बात पूरा क्लियर हो जाएगा। और केशव चौहान ने तो यहाँ पर डुबकियाँ लगाई थी भाई बर्फ़ तोड़ करके, अप्रैल में सबसे पहले रिकॉर्ड तोड़, तो कृपा है बाबा जी की उस पर भी। तो देखिए पूरी बर्फ़ पिघल गई और अंदर चल रहा है कीर्तन चलता है, अरदास पूरे दिन भर, सुबह से शाम तक हम सुनते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है यार सुनने में, बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए यहाँ पे निशान साहब जी के भी दर्शन कर लीजिए, अब भाई ये भी पिघल जाएगा तो सरोवर में स्नान करने के लिए बेस्ट हो जाएगा इधर। पूरे छत से बर्फ़ पिघल गई, यहाँ पे भी बर्फ़ पिघल गई, यहाँ पे रास्ता बढ़िया हो गया, अब यहाँ पे कोई फिसलन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब नज़ारा बढ़िया है। देखिए भाई तो भाई बर्फ़ भी पिघल चुकी है बिल्कुल सॉफ्ट। हाँ बाबा जी सारी दिखा दे जड़ी आगे, अरे सारी दिखा दी बाबा जी, देखो बाबा जी ने कृपा करी इस गर्मियों में इस बार बर्फ़ दिखा दी है कि नहीं, जून के महीने में।
तो बाबा जी खुश हो रहे हैं बर्फ को देख करके, बहुत अच्छा लगता है बर्फ। अच्छा लगता है भाई। कुछ ऐसा नज़ारा है श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा साहब का। अभी मौसम खुला कुछ देर पहले, पूरा कोहरा था चारों तरफ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो करिश्मा है ऊपर वाले का, हमें दिन में कम से कम चार चार पांच पांच बार अलग अलग मौसम दिखाते हैं, क्यों सुबह से शाम तक। और ये यहाँ किस्मती होती है कि जो हम लोग रह पाते हैं और देख पाते हैं भगवान के सानिध्य में रह करके, एक तपोस्थली में उनके रहना भाई, अपना तो ऐसे लगता है कि कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जो यहाँ रह पा रहे हैं। बाकी मैं कह नहीं सकता, वो भगवान ही जाने क्या है क्या नहीं है। बाकी यहाँ पे देखे भाई क्या ही, मतलब जो अभी अरदास जो कीर्तन बोलते हैं ना, इतना प्यारा। देखे स्पीकर यहाँ पे कितने अच्छे जो वादक होते हैं तबला और बजाते ना, क्या ही प्यारा। तो भाई पहुंच चुके हैं यहाँ पे दुकान पे फिर से खाने के इंतजार में। और यहाँ भाई पर दिन हर दिन लेट कर रहा और आलू ही आलू खिला रहा भाई, क्या बात है भाई। कुछ दिक्कत परेशानी है तो फूल गोभी खिलाएंगे। भाई कौन सा जानवर है भाई आलू यहाँ। तो भाई ये भी यहाँ पे मस्त घोड़े बैठ बेच करके सो रखे। मारो 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 इनको, मारो इनको, पिटाई करो। ये टाइम पे खाना नहीं खिला रहे, टाइम पे कुछ नहीं खिला रहे हैं भाई। अपने ना यहाँ लोकल में जो एंटरटेनमेंट होता है वो कैसे होता है, अपने जो ना आवाज में गाना गाते। चल भाई गाना गाते, चल भाभी भाई। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, जितने नंबर दिए जितने भी नंबर दिए सब बन दिए। दोस्तों ये वही इंसान है जिसका भाई का घोड़ा मर गया था एक ही दिन में, और ये देखा यहाँ पे मजे ले रहा है, गाना गा के बहुत मजा आ रहा है कसम। तो अब खाना वगैरह खा लेते हैं, मौसम बढ़िया सुहाना हो रखा है यार। देखिए बादल कितने प्यारे तरीके से लगे हुए हैं। और फिलहाल खाना खाते हैं, थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा, उससे पहले ब्लॉग एडिट भी करना है थोड़ा। यहाँ पे नेट अच्छा चलता है ना दुकान के पास, तो वीडियो एडिट अपलोड करके फिर मैं सोने जाता हूँ। फिलहाल दोस्तों आज का ब्लॉग एंड करते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय श्री राम, हर हर महादेव, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जय मानंद देवी, जय हनुमान जी, जय श्री लोकपाल महाराज की।